तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ट्स का त्रिक्स चार्ट का पार्ट, और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप चार्ट का त्रिक्स दे सकते हैं। तो कल हमने आपके साथ एक स्पीडोमीटर का चार्ट भेजा था कि स्पीडोमीटर आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि एक्सेल के अंदर में आप स्पीडोमीटर कैसे बना सकते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले तो आपको स्पीडोमीटर का मीटर बनाना पड़ेगा। मीटर के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रेड जोन 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, और ये आपका ये आपका 40 हो गया। इन तीनों का मिला के ए आपका 100 है, और यहाँ पे आप एक काम और कर ले कि सम इसको मिला के 100 कर दे, ताकि आपका एक मीटर का शेप बने। तो इंसर्ट कीजिए, और इंसर्ट करते समय आप चार्ट में ये आपका जो डनर चार्ट होता है ना, उस चार्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है सर, और हमने टाइटल जो है, टाइटल को यहां से डिलीट कर देता हूं। फिर इसको हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट सीरीज पे जाते हैं, और इसको हम एंगल जो है इसका इसका एंगल हम 270 डिग्री करते हैं, जैसे कि हमने कल किया था। 270 डिग्री में क्या हुआ, जो 100% 100 वाला जो यहाँ है वो नीचे आ जाएगा आपका, यहाँ आ गया। फिर राइट क्लिक करके मैं इसकी फॉर्मेट डेटा में जाता हूँ, और इसकी फिल कलर को नो फिल कर देता हूँ। तो ये हो गया सर, स्पीडोमीटर का मीटर तैयार हो गया। क्या सर, अब इसका कांटा तैयार करना है। तो ये हमारा नंबर जिसके हिसाब से कांटा हिलेगा, ये नंबर हो गया, और ये आपका कांटा नंबर मान लीजिए 20 है, और ये आपके कांटे का साइज हो गया। जैसे कांटे का साइज मैं 5 रखना चाहता हूं। उसके बाद आप जो है सम प्लस ये सम और ले लेता हूं मैं, हो गया। अब तीनों को सिलेक्ट कर यहां इस पे राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद यहां पे आपको आएगा सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा पे जाइए, ऐड पे क्लिक कीजिए, और एक मान लीजिए कि मैं पॉइंटर पी के नाम से एक नया इसमें ऐड करता हूं। ठीक है, और ओके करता हूं, और फिर लास्ट वाला जो पी है इसको सिलेक्ट करके मैं यहीं पे चेन स्लीप चार्ट टाइप करूंगा, और पी वाले चार्ट को मैं यहां पाई चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। और पाई चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसका भी मैं एंगल जो है हमारा, सॉरी एंगल, हाँ एंगल इसको 270 डिग्री करूंगा। ठीक है, और इसकी कलर जो है, अभी ये जो बाहर वाली कलर है इसको मैं सिलेक्ट करके नो फिल करता हूं, फिर इसको सिलेक्ट करके मैं नो फिल करता हूं। ठीक है सर, अब मैं यहां पे अगर 30 करूं, 40, 50, 60, यहां पे आपकी 70, 80, 90, समझे सर। तो यहां जो एक है ना सर, इसके हिसाब से होता है आपका, ये कर लीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप 5-5 का लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ये नंबर उसी हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैं यहां पे 5 दे देता हूं, 20 को 10 दे दिया,
तो आपको दिख रहा है। और ये साइज जो 5 मैं छोटा करना चाहता हूँ तो 3 कर दीजिए, और छोटा करना चाहते हैं तो 2 कर दीजिए, एक भी कर सकते हैं, उससे छोटा हो जाएगा, लेकिन एक भी काफी छोटा हो जाएगा। लेकिन इसको आप सेलेक्ट करके, जैसे मैं यहाँ पे इसको 6 कर दिया ताकि बड़ा हो जाए, इसको सेलेक्ट किया और इसके बॉर्डर में गया, यहाँ बॉर्डर, और मैं नो लाइन कर देता हूँ, और कलर में मैं सॉलिड कलर में मैं ब्लू के जगह पे ब्लैक कर देता हूँ, और 6 के जगह पे फिर मैं यहाँ पे एक भी कर दूंगा तो भी हमारा कांटा सही रहेगा, लेकिन एक सही नहीं है, 2 रहना चाहिए, समझ गया सर? तो इस पे और रिसर्च करेंगे तो और ज्यादा आगे बढ़ेगा, और इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे, यूट्यूब पे इससे लिए प्रमाण है, वीडियोज मेरे तो है ही, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोगों का है। आप स्पीडोमीटर सर्च करेंगे तो बहुत आपको स्पीडोमीटर से रिलेटेड वीडियोज मिलेंगे सर। तो रवि, अमित जी, मेहताब आलम जी, समझ में आया आपको ये? जी सर, कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? कल आपने जो दिया था उसमें एक ड्रॉप डाउन सिस्टम का भी कुछ था, क्या डाउट? वो तो बना ड्रॉप सकते डाउन। हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक ओके ओके है। इस पर रिसर्च और भी बहुत चीज किया जा सकता है, यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इस पे बन सकती है। जस्ट मैंने आपको एक तो बताया कि हाँ इस तरह से भी चीजें किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात चीज है कि आप दो चार्ट को आप एक ही में, दो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट को यहाँ पे डाल के अलग अलग एंगल दे सकते हो, समझ गए? अगर आप जाएं इस पे गूगल पे तो आपको स्पीडोमीटर से रिलेटेड बहुत सारे चार्ट मिलेंगे। तो कि अलग अलग एंगल से बनाए गए हैं, इमेज बनाए गए तो, लेकिन सबका मेथड वही है। देखो इसने हर नंबर यहाँ पे देखो, इसने पार्ट अलग अलग पार्ट कर दिया, पार्ट पे नंबर दे दिया है ताकि ये एक इससे बन जाए, और ये भी सेम स्पीडोमीटर का, इसमें ग्राफिक्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अलग अलग स्पीडोमीटर का अलग अलग रोल है, ठीक है। हेलो, आप बोलोगे सर ये इस तरह कैसे बना, इसमें ये लगा रखा है गोल, तो बेसिकली इसने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, अगर इंसर्ट करूं मैं यहाँ, सॉरी फॉर्मेट में, ये आप यहाँ पे आइए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसको इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। ताकि सेंटर पॉइंट से दिखे, तो उसी तरह से भी एक ग्राफिक्स को ऐड किया गया। समझे सर? हेलो अदमीत जी, मेहताब जी, आप तो बना सकते हैं ना आप, जी सर, जी सर। तो आप इस एग्जाम्पल को लेते हुए आप जो है इसमें आप गूगल पे सर्च करें और कोई अलग सा स्पीडोमीटर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। इन सबों का यूज हम लोग डैशबोर्ड वगैरह में करते हैं सर, ठीक है सर। बस वही है, इसमें आपको ग्राफिक्स का ध्यान रखना होता है।
ठीक है। ओके सर।